टू द क्लास स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज टेबल्स इन एचटीएमएल एंड सेशन टू स्ट्रक्चर ऑफ टेबल टैग। ओके, प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने देखा व्हाट इज द यूज ऑफ एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आज हम लोग देखने वाले हैं यूजिंग एचटीएमएल हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन वेब पेज। ओके, वेब पेज में अगर हम लोगों को कुछ डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल अगर डिस्प्ले करना हो तो हम लोग कौन से टैग यूज करेंगे, ये हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए भी बहुत सारे टैग होते हैं, वो आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। सी फर्स्ट इज व्हाट इज टेबल। टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 कॉलम्स आर हियर एंड हाउ मेनी रोज आर देयर? 1, 2, 3, 4 रोज आर देयर। ओके, रोज आर हॉरिजॉन्टली एंड कॉलम्स आर वर्टिकली। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले कि हम लोग कैसे करके वेब पेज में टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, बेसिकली टेबल में टीआर टैग जो होता है वो टेबल रोज के लिए, क्रिएट टेबल रोज, ये जो रोज होते हैं हॉरिजॉन्टली, इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग टीआर टैग का यूज करते हैं। ओके, और नेक्स्ट होता है टीडी। टीडी मींस टेबल डेटा। ओके, इट इज यूज्ड टू इंसर्ट द टेक्स्ट इन द पर्टिकुलर सेल और इन द पर्टिकुलर रो। रो में जो कंटेंट्स होते हैं वो हम लोग टीडी टैग से इंसर्ट करते हैं। ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट द टेबल। फर्स्ट आई विल ओपन नोटपैड। ओके, अब हम लोग टाइप करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट्स विथ एचटीएमएल। ओके, जो टेबल टैग होता है वो इनसाइड द बॉडी टैग आता है। ओके, बॉडी टैग जब स्टार्ट होता है उसके बाद में हम लोग टेबल टैग यूज करते हैं। ओके, नाउ आफ्टर टेबल टीआर। ओके, दिस इज फॉर टेबल रो। अब टेबल रो के जो डिटेल्स डेटा देना है, सपोज नेम, ओके, तो ये मैंने टेबल रोज, टू रोज क्रिएट की। नेक्स्ट टेबल टैग एंड 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 ऑफ एचटीएमएल। ओके, नाउ फर्स्ट वी हैव टू सेव द फाइल। व्हाट विल बी द एक्सटेंशन? यस, एक्सटेंशन विल बी HTML, okay, tb.html, then save,
See, here TB is there. I will open this one. हम लोगों का टेबल यहाँ पे वेब पेज में आ गया, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, है ना? तो अगर हम लोगों को टेबल को बॉर्डर देनी है तो क्या करना है, तो हम लोग देखेंगे अभी इसमें क्या चेंज करेंगे. अगेन आई विल ओपन एंड आई विल मेक वन स्मॉल चेंज. टेबल बॉर्डर इक्वल टू, बॉर्डर की आपको साइज देनी है. सपोज आई हैव गिवन 1, ओके. अगेन वी हैव टू सेव इट एंड देन अगेन वी विल ओपन. सी ये बॉर्डर आई, राइट? तो ऐसे करके हम लोग टेबल बना सकते हैं. ऐसे आप बहुत सारे रोज भी ऐड कर सकते हैं. See, अगर हम लोग रीलोड भी करेंगे, रिफ्रेश भी करेंगे, तो भी ये चेंज हो जाएगा. मैंने दो रोज ऐड कर दी और यहाँ पे दो रोज ऐड हो गई. ओके, तो ये एक स्मॉल सैंपल एग्जांपल है टेबल का, यूजिंग टेबल टैग्स. ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज अलाइन टैग. ओके, ऑल ऑफ यू नो अबाउट अलाइनमेंट. व्हाट इज द अलाइनमेंट? अलाइनमेंट मीन्स यस पोजिशन ऑफ द टेक्स्ट. ओके, तो हम लोगों को वो टेबल के जो सेल्स है उसमें जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट अगर सेट करनी है तो कैसे करेंगे. ओके, नाउ आई विल शो यू. अगेन आई विल ओपन दैट टेबल ओनली वी हैव क्रिएटेड. सी ओपन विथ नोट पैड. ओके, अब इसमें क्या चेंज करेंगे आप? यहाँ पे अलाइन इक्वल टू सेंटर. अगेन वी हैव टू सेव. ओके, अब इसमें क्या होगा, ये जो आपका जो टेबल है वो वेब पेज के सेंटर में आएगा. ओके, लेट्स सी. अगेन आई विल ओपन. सी ओके, टेबल विल कम इन द सेंटर पोजिशन. दिस इज कॉल्ड एज अलाइनमेंट ऑफ टेबल. ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट वन. अगर मैं अलाइन टू राइट करती हूं तो देखिए क्या होगा. सी क्या हुआ, जो टेबल था वो राइट में चला गया. और अगर अलाइन टू लेफ्ट करते हैं हर चेंज करने के बाद में आपको टेबल को सेव करना है. ओके, तो ये टेबल लेफ्ट में आ गया. तो पहले हम लोगों ने किया था सेंटर, तो टेबल सेंटर में आया. फिर हम लोगों ने किया राइट, अलाइन राइट, तो राइट में आया. और अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट में आया. ओके, और यहाँ पे अलाइन इज इक्वल टू, ये डबल कोटेशन में ही आपको लिखना पड़ेगा, लेफ्ट हो राइट हो, ये आपको डबल कोटेशन में लिखना पड़ेगा. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अलाइन टैग. ऑलराइट, what did we learn today?
वी हैव लर्न अबाउट द टेबल टैग्स लाइक TR फॉर क्रिएटिंग रोल्स, TD टू इंसर्ट टेक्स्ट इन अ सेल एंड मेकिंग रोल्स, एंड नेक्स्ट वन इज अलाइन। ओके, हम लोगों ने देखा टेबल विदाउट बॉर्डर कैसे करते हैं और विद बॉर्डर कैसे करते हैं, ऑलराइट। और अलाइन सेंटर, लेफ्ट एंड बॉटम हम लोगों ने देखा। ओके, तो दिस इज अबाउट ऑल द सेशन। थैंक यू।